जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक रियलमी का C2 मॉडल आया है, जो कि किसी मार्केट में अपग्रेड करने के बाद प्रोग्रामिंग किया तो ऑन करके देखने के बाद यहाँ पे एक एरर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, रियलमी के फ़ोनों में और ओप्पो के फ़ोनों में आता है, जैसे कि डाउनलोड नॉट कम्प्लीट, प्लीज़ प्रेस वॉल्यूम कोई भी की दबा के शट डाउन करने के लिए, या 10 सेकंड से वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट लोगों पे स्टक है, और ये लोगों पे आने की वजह से ये फ़ोन यहाँ पे अटक गया है। इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, जैसे कि आपको यहाँ पे अनलॉक टूल में बताऊँगा, बिना कोई फ्लैश फाइल डाले। ऑलरेडी फ्लैश करके मैं देख चुका हूँ, यहाँ पे फ्लैशिंग से ये है, इसी पे अटक रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे वन क्लिक में आपको कैसे करके बताऊँगा सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अनलॉक टूल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनलॉक टूल में हम आएंगे मीडियाटेक के, जैसे कि यहाँ पे मैं मीडियाटेक के टैब में आ गया, और यहाँ पे आप लास्ट में आप देख सकते हैं स्पेशल और एक जेनेरिक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेशल टैब में जाएंगे, स्पेशल टैब में यहाँ पे ओप्पो और RMX फिक्स DL ये एक ऑप्शन होता है, और यहाँ पे और एक है, यहाँ पे एक फिक्स का, यहाँ पे जेनेरिक में आएगा पैच DM वेरिफिकेशन, यहाँ पे ये दो एक ऑप्शन होता है, ये कोई भी यूज़ कर सकते। पहले तो एक बार यहाँ से एक बार ट्राई करके देख लेंगे हम, ओप्पो RMX फिक्स DL में हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं। तो जैसे यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ मॉडल आ रहा है, आपको सबसे पहले मॉडल को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा रियलमी C2 मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी C2 का मॉडल है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे फ़ोन मेरा 10 सेकेंड के बाद खुद ब खुद बंद हो गया, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक बार बैटरी निकाल के लगा लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर डिवाइस बता रहा है, जो कि अभी यहाँ पे पोर्ट नहीं कनेक्ट किया है। मैं यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट करूँगा सबसे पहले, तो फ़ोन कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम अप की को प्रेस करेंगे और केबल इंसर्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बैक पैनल नहीं है, तो यहाँ में मुझे प्रेस करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ प्रेस करने के बाद यहाँ पे केबल सिंपली इंसर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पोर्ट बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पोर्ट बना लिया, और यहाँ पे अभी इसका हो रहा है काम, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे फिक्सिंग DL कंप्लीटेड बता रहा है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर ये ऑप्शन इसमें वर्क नहीं किया, यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड बता रहा है, ओके हुआ। अगर ये प्रॉब्लम वैसे ही है वैसे ही है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डन हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे वो एरर नहीं आ रहा है, यहाँ फ़ोन ऑन हो गया। अगर सेकेंड लोगों पे आ जाता है फ़ोन, तो मेरा फ़ोन बूट अप हो गया, मतलब ये जो यहाँ पे एरर आ रहा था वो एरर देख सकते हैं आप लाइवली, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, रियलमी का सेकेंड लोगो आ गया। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फिक्सिंग DL नॉट कम्प्लीटेड है, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे DL नॉट कम्प्लीटेड लिख के आ रहा है, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिट्राइटिंग डाटा ओके हो गया, वैलिडेटिंग डाटा ओके हो गया, और यहाँ पे कम्प्लीटेड को भी ओके किया है। तो यहाँ सारा स्टोरेज देख सकते हैं आप, 32 GB का स्टोरेज है, EMMC सैमसंग का लग के यहाँ पे सीरियल नंबर, RPM भी 4-4 MB का, जो हमारा बूट वन बूट टू का, जैसे कि EMMC के अंदर UEFI बॉक्स में हम देखते हैं सेम एज इट इज़ वही ऑप्शन है। तो जैसे कि यहाँ पे आप वन क्लिक में, मैंने यहाँ पे सिर्फ मॉडल सेलेक्ट किया, जैसे कि यहाँ पे ओप्पो RMX फिक्स DL का जो ऑप्शन है यहाँ पे अनलॉक टूल के अंदर, बस इसे हमें करना क्या है, क्लिक करना है, और जो भी हमारा मॉडल है वो मॉडल को सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे लाइव बता दिए आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन सेकेंड लोगों पे आ गया है, और यहाँ पे वेट करेंगे हमें इसको पूरा बूट अप करने में, ठीक है। तो बहुत इजी वाला ट्रिक है ये, जो ऑलरेडी करते हैं मार्केट में उन लोगों के लिए तो ये वीडियो नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं सर ये तो ऑलरेडी आता है हमें, तो ये वो लोगों के लिए जो मार्केट में नहीं करते काम, जिन्हें नहीं आता है, जो वीडियो देख के कुछ सीखना चाह रहे, हमारे पास आना चाह रहे, सीखना चाह रहे, तो ये वो लोगों के स्टूडेंट के लिए। बाकी का मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि जिसको आता है प्लीज़ यहाँ कमेंट ना करें कि ऑलरेडी हमें आता है ये सर वो सर, ये सारा चीज़ यहाँ पर आप मत देखिए। अगर आपको आता है ये सब चीज़ तो ये वीडियो को स्किप करें, ठीक है। तो यहाँ पे आके कमेंट ना करें कि सर ये हम लोग को आता है, जो लोगों को नहीं आता है, जो भाई हमारे पास सीखना चाह रहे हैं, जो फ्रेशर है, जो हमारे स्टूडेंट है, ये उन लोगों के लिए वीडियो होता है जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करेंगे, तो जैसे कि आपको एरर तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो एरर आ रहा था नॉट कम्प्लीटेड का, जो कि फ़ोन फर्स्ट लोगों पर रुकने के बाद 10 सेकेंड वेट करने के बाद खुद ब खुद फ़ोन को ऑफ हो जाता है, तो वो इसके अंदर एक कस्टम का फाइल का एरर रहता है। अगर आप जैसे कि अनलॉक टूल नहीं है आपके पास, अगर आप ये चीज़ यहाँ से नहीं कर पा रहे, तो आपको UEFI के बॉक्स के अंदर यूज़र एरिया पार्ट में जाके सिर्फ फ्लैश फाइल से एक कस्टम फाइल को रिप्लेस करना है। सिंगल फाइल आता है 200 या 300 MB का होता है, बस उतना ही एक रिप्लेस कर दो, ये उसमें भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ बिना MMC निकाले हम वन क्लिक में बताए, बाय केबल से हमने कैसे किया इसको वन क्लिक में,
बिना एमएमसी निकाले, ये आपको एक ट्रिक बता रहे, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम वेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी भी फॉर्मेट हुआ पूरा, तो फर्स्ट टाइम बूट करने में 5 to 7 मिनट का टाइम तो लेता ही है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो गया, जो कि किसी ने उसको प्रोग्रामिंग किया था ठीक से नहीं हुआ, तो उस कारण वो फर्स्ट लोगों पे अटक गया, जो कि आप सामने देख सकते हैं। जो प्रॉब्लम था हमारा डाउनलोड नॉट कम्प्लीटेड का एरर आ रहा था, वो एरर की वजह से ही हमारा फ़ोन पूरी तरीके से बूट नहीं हो रहा था, फर्स्ट लोगों पर अटक जा रहा था। ये आपको ओप्पो एंड रियलमी के लिए दोनों में काम करेगा, जो कि ये आपके सामने लाइव है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा फ़ोन ऑन हो गया, इसमें ना फ्लैशिंग किया मैंने ना कुछ किया, ये जो एरर आया था आप वन क्लिक में इसको कैसे सॉल्व करना है आपको यहाँ पे इजी ट्रिक में मिल गया है। और यहाँ पे हम इसको FRP बाईपास कर लेंगे, हमारे डायरेक्ट स्क्रीन पे ये फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। हमें ये बाईपास वाला कोड है हमारा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा बाईपास हो गया और यहाँ पे FRP बाईपास होने के बाद स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इजी वे में आपको बताने का तरीका था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।